with GST amendment after break hai. Humne after break. Humne abhi tak koi 30 se 31 amendment padhe hai. Ye hamara next amendment hai. अमेंडमेंट के पहले मैंने पीपीटी बनाई पावर पॉइंट, फिर वो करीबन 180 पेज से चली गई. मतलब यार इससे तो बच्चे बेवजह डर जाएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से नहीं डरते, पढ़ाई के वॉल्यूम से डरते हैं. तो मैंने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा बच्चों के साथ. पीपीटी मुझे तो बस यहाँ पर बटन दबन दबाने और बस बच्चे देखते रहेंगे हाँ और मुँह खुलते जाएगा. तो फिर मैंने इसका साइकोलॉजी चेंज करने के लिए वन पेज लाया और इसे स्कैटर्ड कर दिया ताकि आपका रैंडमली दिमाग चले इधर उधर इधर उधर, आप नए नए चीज़ों को अचानक आने पे संभाल पाए. एनी हाउ नेक्स्ट पॉइंट में है, ये भी एक एग्जम्पशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज एग्जम्प्टेड अदर देन हॉर्स. यदि आप पशुपालन के लिए इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली कराते हो और उसके लिए आपका यही आपका बिजनेस है तो दिस सर्विस इज एग्जम्प्टेड. ठीक, और इस सर्विस में हॉर्सेज आर एक्सक्लूडेड, यानी हॉर्सेज का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज विल बी टैक्सेबल. 33, ओल्ड एज होम, यदि गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेट कर रही है, क्या क्या ओल्ड एज होम, इसको इनकम टैक्स में तो इसको लेकर कोई छूट नहीं है. चलो जीएसटी में तो उन्हें गवर्नमेंट की याद आई कि इसको एग्जाम कर देना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित ओल्ड एज होम हो या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट वाला ओल्ड एज होम हो, इन दैट केस इट इज एग्जाम्प्टेड प्रोवाइडेड चार्जेस जो लिए जा रहे हैं वो अप टू 25,000 पर मंथ हो, और यदि 25,000 से पर मंथ से ज्यादा ओल्ड एज का खर्चा है तो दिस विल बी टैक्स. ठीक है, और कोई इन दोनों को छोड़ के और कोई यदि ओल्ड एज होम ऑपरेट कर रहा है तो दिस विल बी टैक्स. डेटा याद रखना, चैरिटेबल ट्रस्ट का ओल्ड एज होम जहां पे 25,000 रुपए तक की मंथली चार्जेज है इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. अब आपका वही पुराना दतिया न्यूसिट्यूशन, यदि 30,000 हो जाए तो सर क्या करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल. क्लियर, एग्जाम में सी हिट होने की चांसेस है, अच्छा पॉइंट है. नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड टू इट्स एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया. देखो यदि हम लोग सर्विस आउटसाइड इंडिया देते हैं तब तो ये एक्सपोर्ट है ना, हाँ बोलो, तब तो एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट पे तो ऐसे भी जीएसटी नहीं लगता. लेकिन एक्सपोर्ट के क्लॉज में जहां पे एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन, वहां पे एक पॉइंट बोला हुआ है कि द सप्लायर मस्ट बी इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी आउटसाइड इंडिया एंड द पेमेंट मस्ट बी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. अब हमने तो कोई पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं किया, हमने तो अपने ही ब्रांच को सर्विस दे दिया फ्री, तो पेमेंट ही नहीं आया तो क्या फॉरेन करेंसी हो क्या इंडियन करेंसी. और उधर शेड्यूल वन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अपने ही डिस्टिंग पर्सन को गुड्स या सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे तब भी दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब हमारी ही इंडियन ब्रांच ने फॉरेन ब्रांच को सर्विस दिया और आप इस पे जीएसटी लगा रहे हो, तो इस चीज को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिया से इंडिया में जा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जीएसटी लगता है, यहाँ पे आईटीसी मिल जाता है. लेकिन यदि ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वहां तो कोई आईटीसी नहीं मिल रहा है. आपकी ऑस्ट्रेलियन ब्रांच को दिया आपने सर्विस दी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसको तो आईटीसी नहीं मिल रहा है ना. अरे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इंडिया का आईटीसी है ना, तो वहां पे आईटीसी नहीं मिल रहा है. यदि ये भी इंडिया का होता ये भी इंडिया का होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था, यहां पे एक बार जीएसटी लगा यहां पे एक बार आईटीसी मिल गया चलो हटाओ कोई टेंशन नहीं है. लेकिन यदि ये दिल्ली की जगह दुबई हो जाए तब तो यहां पे जीएसटी लग गया यहां पे आईटीसी मिला नहीं.
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट ला दिया कि यदि आप अपनी आउटसाइड इंडिया वाली ब्रांच को कोई सर्विस देते हो तो भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया is not liable to, is not subject to GST. आगे बढ़े, हमारा अमेंडमेंट नंबर 35 चल रहा है। ये अमेंडमेंट वैल्यूएशन से रिलेटेड चल रहा है। आप अपना नंबर इन देख लो, हो सकता आप 2-3 मर्ज किए हुए हो। मैंने तो यहाँ पे जितने पैरा बनाए उतने अमेंडमेंट लिख दिए। हम लोग कर रहे वैल्यूएशन वाला अमेंडमेंट। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है, थोड़ा जेन्युइन सा है। यह है एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर टाइप का बंदा बोलो, ये वास्तव में है कौन? यह है ओरिजिनल मशीन सप्लायर। अब मशीन तो ये लोग बनाते हैं, लेकिन मशीन के हर चीज तो ये बना नहीं सकते ना। जैसे आप मोबाइल के वेंडर हो, यदि आप मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो तो मोबाइल की बैटरी तो आपकी मेड इन चाइना ही है ना। वैसे यदि आप रिस्ट वॉच बनाते हो तो रिस्ट वॉच की बैटरी तो आप नहीं बनाते ना, रिस्ट वॉच का बेल्ट तो आप नहीं बनाते, ये सब तो आप असेंबल कर लेते हो। हाँ, तो ऐसे में आप क्या हो, किसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आप इक्विपमेंट बनवा लेते हो और इससे इक्विपमेंट वापस आप ले लेते हो, यानी इससे जॉब वर्क करवा लेते हो। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि ये ओरिजिनल मशीन सप्लायर चाहता है कि जो मेरा बैटरी का स्लॉट है एग्जैक्ट उसी में बैटरी बैठ जाए। हाँ, तो ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसको क्या बोलेगा? आप अपना डाइस दे दीजिए मुझे, आप अपना डाइस मुझे दे दीजिए, मैं वैसी बैटरी बना दूंगा। तो ये बोला हाँ भैया वही करना है, मेरी वाली डाइस में बनाना है। तो इसने क्या किया, इन्हें क्या प्रोवाइड कर दिया? मोल्ड जेट्स डाइस, एक ही जैसे नाम है। ये मोल्ड जिप्स डाइज इसे दे दिया और ये इसमें अपना मोल्ड जिप्स डाइज पे मटेरियल बनाते हैं, इन्हें फॉरवर्ड कर दिया, मामला खत्म। अब दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या इस मोल्ड जिप्स डाइज की सप्लाई पे जीएसटी लगेगा? ये इन्होंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो आंसर इज इस मोल्ड जिप्स डाइज पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, नो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ मोल्ड जिट्स डाइज बाय ओरिजिनल मशीन सप्लायर टू द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। चलो ठीक, ओरिजिनल मशीन सप्लायर टू द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक। दूसरा बात, क्या इनको इस मोल्ड्स पे आईटीसी मिल जाएगा? इसको क्योंकि मोल्ड तो इन्होंने खरीदा है, मोल्ड्स तो इन्होंने खरीदा है। अच्छा, इन्होंने ना इसको पे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया तो इसको तो आईटीसी मिलना नहीं है, मोल्ड तो इसका है। तो आईटीसी मिलेगा कि आईटीसी नहीं मिलेगा? आईटीसी अवेलेबल ऑन सच मोल्ड जिट्स टाइप्स, यानी आपका मोल्ड जिट्स डाइज आपके मैंने जॉब वर्कर के पास चला दिया, इसके लिए आपको रिवर्सल ऑफ आईटीसी नहीं करना है। तीसरा, ये सबसे आश्चर्यजनक है जो कि कॉमन सेंस में नहीं बैठता। सपोज इन्होंने ये मोल्ड जिट्स डाइज 10 लाख वाला, जिसका कॉस्ट है 10 लाख, इन्होंने इसे भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इन्हें इक्विपमेंट बनाते देते हैं सपोज 100 रुपया पर यूनिट,
इनका जॉब चार्जेज है 100 रुपया। इस इक्विपमेंट ये जो है ना क्या मोल्ड जिट स्टाइज, इसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, 1 लाख यूनिट बनाने की। तो हिसाब से पर यूनिट इसका कॉस्ट है 10 रुपया। हाँ तो अरे मोल्ड का दाम है 10 लाख रुपया और 1 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी 1 यूनिट बनाने में 10 रुपये का मोल्ड स्टाइज डेप्रिशिएट हो जाता है। अब ये इनसे क्या ले रहे हैं 100 रुपया। तो क्वेश्चन ये आ रहा है क्या ये 10 रुपये इस वैल्यूएशन में ऐड होगा, क्या ये 10 रुपये इस वैल्यूएशन में ऐड होगा, क्योंकि ये इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तभी ये 100 रुपये में दे पा रहे हैं। यदि इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, ये अपने आप बनाते, ये अपने आप मोल्ड जिट स्टाइज अरेंज करते, तब तो 10 रुपये यहाँ पे और ऐड करके ही ये दे पाते, है ना। तो दिमाग का कॉमन सेंस यही बोल रहा है कि भैया जी इस पे ये वैल्यूएशन में ऐड होगा, परंतु लॉ ने इसको भी रिलैक्स कर दिया सरप्राइजिंगली। अपॉर्शनमेंट ऑफ मोल्ड जिट्स डाइज कॉस्ट इज नॉट टू बी एडेड इन असेसेबल वैल्यू। सिचुएशन बेस्ड बना के क्वेश्चन पूछने का उनका मन हुआ तो यह क्वेश्चन उनको सुहाएगा। चलो आगे बढ़े। अब सपोज इनका ये एग्रीमेंट था इस ओरिजिनल मशीन सप्लायर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में, ये एग्रीमेंट था कि ये मशीन के लिए जो मोल्ड चाहिए, जो जिट चाहिए, वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को अरेंज करना है। द प्राइस इज एग्रीड अपॉन एट 100 और ये मोल्ड जिट्स डाइज का इक्विपमेंट इसे अरेंज करना है, जिसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऐसा एग्रीमेंट था। फिर भी इस एग्रीमेंट के होने के बावजूद भी इन्होंने इसे ये मोल्ड जिट्स डाइज फ्री में दे दिया। तो लॉ बोलता भैया एक बात बताओ, यहां एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि ये मोल्ड इन्हें अरेंज करने का था, जब इन्हें अरेंज करने का था तो आपने क्यों दिया? चलो कोई बात नहीं, आपने दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दिया? अब यहां पे आप समथिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर आप बेयर कर रहे हो। इन दैट केस इट विल बी एडेड टू असेसेबल वैल्यू। तो पहले अभी हमने क्या बोला, अपॉर्शनमेंट ऑफ मोल्ड जिट्स डाइज कॉस्ट इज नॉट टू बी एडेड इन द असेसेबल वैल्यू, परंतु अभी अभी मैंने बात चेंज कर दी और ये बोल दिया कि यदि इस केस में ये मोल्ड जिट्स डाइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को अरेंज करने का बात था एज पर देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट, बट इंस्टेड दिस मोल्ड जिट्स डाइज हैव बीन सप्लाइड बाय द ओरिजिनल मशीन सप्लायर एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दैट केस द अपॉर्शनमेंट्स आर बी एडेड टू द असेसेबल वैल्यू। दो पॉइंट तो सेम है लेकिन तीसरा पॉइंट चेंज हो जाएगा, है ना। हाउएवर इफ सच मोल्ड जिट्स डाइज आर टू बी अरेंज्ड by equipment manufacturer instead it is supplied by original machine supplier and free of cost also then
apportionment of MZD. Apportionment of molded dice cost shall be added to assessable value. Shall be added to assessable value. हुआ क्या क्या बात, तुम तो बहुत जल्दी लिखने लग गए भाई. पॉइंट नंबर फाइव क्या बहुत हो गया भाई. पॉइंट नंबर 36, आई होप ये सबको पता है, फिर भी आप देख लो. एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने फ्लैट ओनर से यदि 7,500 रुपया पर मंथ तक एनुअल मेंटेनेंस लेता है, मेंटेनेंस चार्ज लेता है, क्या कौन किससे ले रहा है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फ्लैट ओनर से, ये पहले 5,000 था, 5,000 हटाते इसे 7,500 दिया, 7,500 पर मंथ तक मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, तब भी दिस विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्प्टेड. ये पहले 5,000 था, इसे बढ़ा के 7,500 दिया गया. अमेंडमेंट नंबर 37, आपको वह जेम्सन्स का वो वाला पॉइंट ध्यान होगा कि सर्कस, अवार्ड सेरेमनी और क्या क्या था, प्लेनेटेरियम और क्या था, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज स्पोर्ट्स, अरे सब वर्ड याद आ रहे क्या, जहां पे 250 रुपए तक का टिकट का चार्जेज है, दैट वॉज एग्जाम्प्टेड. ये 250 का अमाउंट बढ़ा के 500 कर दिया गया. तो दिस इज द अमेंडमेंट, 250 को उठा के उन्होंने 500 कर दिया. बहुत पॉपुलर पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल इज अनरिकग्नाइज स्पोर्ट्स, एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा. आईपीएल का मैच चल रहा है मतलब शुरू होने वाला है, अनरिकग्नाइज स्पोर्ट्स. आईपीएल रिकग्नाइज है, हाँ अनरिकग्नाइज स्पोर्ट्स. IPL तो प्राइवेट फ्रेंचाइजीज का गेम है सर, अनरिकग्नाइज स्पोर्ट्स है. IPL में कोहली सेंचुरी मारेगा तो काउंटिंग थोड़ी करेंगे उसको, वो IPL की सेंचुरीज में काउंटिंग होती है. ठीक, तो आपने 37 नंबर पॉइंट कर लिया. अब आप आ गए फ्यूमिगेशन सर्विस, ये एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है. फ्यूमिगेशन इन एग्रीकल्चरल वेयरहाउस, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का फ्यूमिगेशन सर्विस हो, फ्यूमिगेशन मतलब सर्विस, उसको ड्राई करके उसमें कीड़े वीड़े को मार दिया जाता है एग्रो प्रोड्यूस को. तो एग्रो प्रोड्यूस को यदि फ्यूमिगेशन सर्विस दिया जाए इन द एग्रो वेयरहाउस और एनीवेयर, दिस इज एग्जाम्प्टेड. Exempted. 39. To be noted, जितने भी अमेंडमेंट हम लोग करा रहे हैं ऑलमोस्ट सभी आपके मैट में ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी आप यहां पर अलग से नोट कर लिए, अच्छी बात है. और नहीं तो फिर मैट पलटते जाना, और मैट में जैसे इस तरह के फॉन्ट आ जाए फटाफट से सतर्क हो जाना भाई, भरे पड़े हैं ऐसे.
हर जगह आपको मिल जाएंगे, ये सब आपके लिए रेलिवेंट है। सर्कुलर हो या कुछ भी हो, जैसे कोई अमेंडमेंट आया है हमने उसका फॉन्ट चेंज करके आपको बता दिया। यदि कोई केस स्टडी भी आई है तो वी हैव गिवन। तो आपको ये सीट तो जरूर काम आएगी, जो भी आप अपने हाथ से बना रहे हो वो तो डेफिनेटली बहुत काम की है, अदरवाइज भी आपको इसमें सब मिल जाएगा। बस क्या छोड़ना है, CGST अमेंडमेंट एक्ट 39, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं बता दिया तो इसमें कैसे दिया हुआ, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट्स अ वेरी फैबुलस पॉइंट। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, इस बार एग्जाम में पूछने जैसी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देखो नज़र आ रहे थे अमेंडमेंट 25118। हाँ, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent are exempted. कुछ समझ में आया? एक बार दोबारा समझो। यह है educational institute, यह है एक transport service provider। तो transport service provider क्या होता है, अपनी एक बस ले आता है, लॉरी नहीं बस, ये बस है, हाँ ये मान लो ये बस है, हाँ ये बस है। तो ये बस ले आया और ये स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, उनको स्कूल से ले जाता है घर तक पहुँचाने की। ये सर्विस ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड थी, क्योंकि आपने पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है फॉर द कैरिंग स्टाफ स्टूडेंट फैकल्टी इज एग्जाम्प्टेड। अमेंडमेंट क्या आया है, अमेंडमेंट ये आया है कि ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को ये बस मिस्टर ए ने दिया है, ही हैज लेट आउट द स्कूल बस टू दिस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर ये स्कूल बस इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यूज करता है। अब सपोज ये भाड़ा लेता है महीने का 40,000 रुपया, तो क्या इस 40,000 पे GST लगेगा? तो इन्होंने बोल दिया नो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। और ये डायरेक्ट स्कूल को ही बस भाड़े पे दे दे तब भी एग्जाम्प्टेड, यदि इस ट्रांस को दे दे तब भी एग्जाम्प्टेड। इस पे तो GST पहले से नहीं लगता था, ये तो शुरू से एग्जाम्प्ट था, इस बार अमेंडमेंट आते ये भी एग्जाम्प्ट हो गया। हाँ तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकता है भाई, और वैसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबका फेवरेट है। आओ अमेंडमेंट नंबर 40 में चले। अच्छा एक बात तो आपको बताने की दरकार नहीं है, द स्टूडेंट्स मस्ट बी फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। CA इंस्टीट्यूट कौन सी स्कूल बस देने वाला है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। 39 से 40 मार है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल। आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल आप लोग को फ्री में मिल रहा है, शायद शायद फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी साइट पे जाते ले आओ। लेकिन सपोज इस ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल का आपसे चार्जेस लिया जाए तो क्या इस चार्जेस पे GST लगेगा? एंड आंसर इज नो, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। ये सीट आपको मिल जाएगी सर। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल ऑफ पीरियडिकल्स बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जाम्प्ट। टू बी नोटेड, इसमें CA इंस्टीट्यूट आता है। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल में सारे इंस्टीट्यूट कवर्ड है। क्लास 9 के बच्चे को आप क्या ऑनलाइन जर्नल दोगे सर?
जीने दो उसको। एक बड़ा चक्कर वाला केस है यार, पता नहीं क्यों बार बार पूछते रहता है। द अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंट इन सर्विस, चेक करिए क्या ये, आई होप आपको पता है। सपोज मुझे मेरी किताबें छपवानी है, मुझे कोई नया स्टडी मैट बनवाना है और वो छपवाना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंटर से बात की, हे प्रिंटर रिजल्ट हुई है। प्रिंटर एक घंटे में आ गया, मैंने उसे क्या दे दिया, पेन ड्राइव, ये लो क्या है, इसमें सारा मेरी किताब का कंटेंट है, ले जाओ छाप के दे दो। बोला ओके। अब वो मेरे लिए क्या खरीद रहा है, पेपर खरीदा, इसके लिए मेरे लिए इंक वेंक लिया एंड मशीन लगाया और छाप छूप के बाइंड इन करके मुझे ये दे दिया, क्या किताब। अब आप बताइए क्या इस सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे में मेरे को ला के क्या दिया, फिजिकली मेरे पास क्या आया, ये टेम्पो भर के किताबें आई, लेकिन किताब का कंटेंट मैंने दिया था। अब ये किताब आई है तो ऑथर का नाम मेरे लिए हवा है, तो वो बोल रहे सर मैंने तो आपको बुक्स सप्लाई किए ना, और बुक्स पे तो जीएसटी लगता नहीं है, तो बताओ उसने मुझे बुक्स बोल के गुड्स सप्लाई किया है या उसने मुझे सर्विस सप्लाई किया है। तो लॉ बोलेगा भाई ये तो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इस कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में मेन जो कंटेंट है, मेन जो मतलब मैंने किसलिए पेमेंट किया, तो मैंने सर्विस लिए पेमेंट किया, मुझे सर्विस चाहिए थी, किताब विताब बना बनू के बाइंड वाइंड कर करा के कवर वबर छाप छुप के अच्छा सा ला के मुझे दे दिया जाए, तो मुझे सर्विस लिया जा रहा था और मैंने कंपोजिट, इस कंपोजिट सर्विस का मेन एलिमेंट जो है वो है सर्विस, एंड देयरफॉर दिस विल बी लायबल टू जीएसटी। ठीक, थोड़े दिन बाद मैंने उसे वापस बुलाया, बोला एक बार प्रिंटर साहब प्रगट हुई है। वो एक घंटे में फिर आ गया, बोले बोलिए सर। मैंने बोला भाई कुछ इन्वेलप्स बनाने हैं, कुछ बच्चों को होली के कार्ड्स वार्ड्स देने हैं, दिवाली के कार्ड्स वार्ड्स देने हैं, बर्थडे के कार्ड्स वार्ड्स देने हैं, तो आप एक काम करिए प्रयास नाम का लोगो लगा के मुझे वो इन्वेलप दे दीजिए। बोला ठीक है सर, चला गया वो। बोला सर लोगो भिजवा दीजिएगा, मैंने उसे लोगो मेल कर दिया। अब वो मेरे लिए इन्वेलप पे लोगो लगा के प्रिंट करके मुझे दे दिया। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस बार प्रीडोमिनेंट नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस बार भी कंपोजिट सर्विस है, लेकिन इस बार प्रीडोमिनेंट नेचर ऑफ द सर्विस है, मुझे एनवेलप चाहिए था, एनवेलप चाहिए था, तो देयरफॉर दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स कब होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कब होगी, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। इसमें कंपोजिट नेचर देखा जाएगा, एसेंशियल कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है दोनों मैंने आपको बता दिए। एग्जाम के लिए आप कॉपी कर लो सर इसको, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पेन ड्राइव में क्या है, पेन ड्राइव में मेरा कंटेंट है। एज इट इज कॉपी करना जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से समझ से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े, आई होप यू हैव कॉपीड। पॉइंट नंबर 42, बड़ा खतरनाक सा अमेंडमेंट है भाई, टेंडेंसी राइट, इतना प्यारा है ना कि ऐसी मजा आ जाए। आप में से कुछ जन टेनेंट रहे हुए होंगे और कुछ जन खुद ही टेनेंट होंगे,
और कुछ मेरे जैसे होंगे ना, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड अपने अपने घर में रहते हैं बस शांति से, है ना। सपोज हमने एक टेनेंट को भाड़े पे रख लिया, मेरा घर, आई एम द लैंडलॉर्ड और टेनेंट आ गया रहने। टेनेंट थोड़ा दिन रहा, फिर बोला मुंद्रा जी एक आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने बोला जरूर फरमाइए। उसका रिक्वेस्ट मेरा कमाई, भीतर ही भीतर दोनों तैयार है। बोला मुंद्रा जी देखिए, मैं इस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, ये तो मेरे पास राइट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सब लीज भी कर पाऊँ, सब टेनेंसी भी दीजिए मुझे। मतलब मैं नहीं, मैं किसी और को भी यदि टेनेंट रखना चाहूँ तो वो भी मेरे को एग्रीमेंट में लिख दीजिए आप। मैंने बोला लिख दूंगा, लिखने में क्या जाता है, घर की बात है, पेपर बना लाइए, साइन कर दूंगा। समझ गया मुंद्रा जी, इतना प्यार से हाँ बोला है तो खुद ही अदला पूछ लिया, तो फिर उसके लिए क्या देना पड़ेगा। मतलब आपसे क्या लेना, घर की बात है, 10 लाख रुपया और दे दीजिएगा। बार्गेन करके सपोज 6 लाख रुपया में बात सकता। कौन किसको दे रहा है? टेनेंट लैंडलॉर्ड को दे रहा है कि 6 लाख रुपया और खाली उसको एक एग्रीमेंट में एक लाइन और ऐड करवानी है, सब टेनेंसी का उसको राइट और चाहिए। ठीक है, क्या इस 6 लाख पे जीएसटी लगेगा? ये क्वेश्चन उठा। दूसरा क्वेश्चन उठा था, एक नया सा फ्लैट मैंने खरीदा है और एक टेनेंट आ गया, बोला मुंद्रा जी मेरे को 15 साल के लिए भाड़े पे चाहिए। मैंने बोला जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। और फिर मैंने उसको 15 साल के लिए भाड़े पे दे दिया। रेंट है सिर्फ 40,000 रुपया पर मंथ, और जो पदड़ी बोलते हैं, जिसको सलामी बोलते हैं, यू नो दिस वर्ड सलामी, और इस सलामी पे मैंने उसे ले लिया 20 लाख रुपया। तो सलामी का 20 लाख, सलामी मतलब नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी, मतलब तुमको मेरे को देना पड़ेगा और ये पैसे मैं लौटाऊंगा नहीं। अब इसको तुमको जो समझना है समझ लो, कहीं कहीं हमारे बंगाल में इसको बोलते सलामी, कहीं कहीं राजस्थान में पदड़ी ये भाषा बोलते हैं, और सिंपल बोले तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। ठीक है, अब आप इतने साल के लिए रहोगे तो आपको कुछ तो उस पर प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये प्रीमियम हमने ले लिया। क्वेश्चन आता है इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो अलग बात है, इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तीसरा, मैंने टेनेंट को प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी, टेनेंसी राइट था, मैंने टेनेंसी राइट उसको दे दिया। टेनेंसी राइट में वो आराम से रह रहा है, रह रहा है, रह रहा है, रह रहा है, आराम से रहे जा रहा है, रह जा रहा है, रह जा रहा है, रहे जा रहा है, 22 साल से रह रहा है। अब 22 साल पहले क्या रेंट सेट हुआ था, अब क्या रेंट होगा, बकवास ही, कुछ मतलब ही नहीं है, कचरा आ रहा है हाथ में। तो मैंने उसको बोला भाई अब तुम प्रॉपर्टी खाली कर दो। बोला ऐसे कैसे खाली करते, टेनेंट है, जोर है उसका। तो मैंने बोला भाई खाली करने का कितना लोगे ये बता दो, मेरी प्रॉपर्टी के लिए बड़े बड़े मॉल वाले आ रहे हैं, मैं इस प्रॉपर्टी को तोड़वा के बड़ा सा मॉल बना लूँगा, खाली तुम दो टेनेंट हो जो मेरा परेशानी खड़े हो किए, वो आप लोग हट जाओ तो मेरा प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट फ्री हो जाए, तो मेरा मॉल के लिए सेल हो जाए। बोला बाबा मुंद्रा जी कर देंगे, आपके लिए घर की बात है। अब अपने तो समझ में आया, हमने पूछ लिया भाई कितना लोगे, बोला दे दीजिए 40 लाख रुपये। अरे भाई लूट है। तो जो भी बार्गेन कर कुरा के मामला 22 लाख पे सेटल हुआ, मैंने उन्हें 22 लाख रुपए दिए और प्रॉपर्टी खाली करवा लिया। क्वेश्चन आ रहा है क्या इस 22 लाख पे जीएसटी लगेगा? बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, और ऐसे आए दिन ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, अभी प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा है तो ऐसे ट्रांजेक्शन लोग थोड़े कम कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे ट्रांजेक्शन जबरदस्त होते हैं, आए दिन होते हैं, धमाधम होते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है ये सारे जो एग्रीमेंट होते हैं ना, ये सब एग्रीमेंट बेसिस पे होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बस चल खाली हो ये ले 10 लाख पत्र बाहर जा, ऐसे नहीं होते, सब एग्रीमेंट पे होते हैं। और ये सब एग्रीमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी दी जाती है, कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। एग्रीमेंट होते हैं और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं, इनकी रजिस्ट्री होती है, वो टेनेंसी जो उसने बढ़वाया 6 लाख रुपया दिया उस पर भी रजिस्ट्री करवाएंगे और स्टैम्प ड्यूटी देंगे, और ये जो मैंने प्रॉपर्टी खाली करवाई 22 लाख रुपया अपने टेनेंट को दिया उस पर भी मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा, और नहीं तो कल वो मेरे ऊपर केस ठोक देगा कि ये चार ठोकुन डाला के मेरा सामान बाहर कर दिया, हमारे परिवार को मारा वारा टॉर्चर किया, ऐसे केस ला देगा। तो हम लोग सब ये सब एग्रीमेंट कराते, स्टैम्प ड्यूटी कराते, रजिस्ट्री कराते, बहुत झमेले चाहता हमें भाई, तुमसे नहीं होता हम लोग को दे देना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
तो इन सब कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैम्प ड्यूटी विस्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ये मामला उठा कि जब इस पे ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी लगती है फिर जीएसटी लगेगा क्या? तो जीएसटी वालों की भाषा सुनो, उनकी भाषा है कि ये किसने बोला कि जिस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है उस पे जीएसटी नहीं लगती? ये किसने बोला आपको? एंड सिंपल, ऑल दीज एग्रीमेंट विल बी लायबल टू जीएसटी, खत्म। एक झटके में आंसर दे दिया, रूट गंदा सा आंसर। स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो अलग बात है, जीएसटी लगेगी वो अलग बात है। तो फिर एक क्वेश्चन और उठा, ये सपोज हमने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए 15 साल के लिए लीज पे लिया है, 15 या टेनेंसी पे लिया है, टेनेंसी एग्रीमेंट में उसने हमसे सलामी ले ली 40 लाख रुपया और भाड़ा कर दिया 10,000 रुपया। सलामी कर दी 40,000 रुपया और भाड़ा कर दिया 10,000 रुपया। तो क्वेश्चन आ रहा है क्या इस सलामी पे जीएसटी लगेगा? इसमें नया क्या दिया? नया याद है ना रेसिडेंशियल हाउस, क्योंकि इस भाड़े पे तो जीएसटी लगता नहीं है, क्या इस सलामी पे जीएसटी लगेगा? तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के जब भाड़े पे जीएसटी नहीं लगता तो उसके सलामी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, तो दैट्स अ माइंड रिलैक्सिंग रिलैक्सेशन कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लेटिंग आउट पे ना रेंट पे जीएसटी लगता है ना सलामी पे, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे जीएसटी लगेगा। इसको छोड़ के कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी यदि आप भाड़े पे लेते हो या उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हो, उसके लिए आपको कोई सलामी पगड़ी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट प्रीमियम देना पड़ता है, तो उन सब पे भले ही स्टैम्प ड्यूटी लगे ना लगे जीएसटी तो लगेगा। सारी बात याद रहेगी, माथा याद रहेगी, नीचे उतरते ही भूल जाओगे। दो लाइन लिख लो, नंबर वन, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट देन सलामी पदड़ी, ये सब हिंदी वर्ड है भाई, 36 टोपों की सलामी वो सब वही सब वर्ड ही है, प्रीमियम नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जो भी नाम से आप इसे बुलाओ, एसेट्रा आर नॉट लायबल टू जीएसटी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, ऑब्वियसली बात है। तो पॉइंट नंबर टू, इन एनी अदर केस सलामी पदड़ी प्रीमियम नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट एसेट्रा आर लायबल टू जीएसटी, इवन व्हेन स्टैंप ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड। हैज ऑलरेडी बीन पेड, लो भाई आगे बढ़ते, जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अब ज्यादा बचे नहीं सर, बस थोड़े से बचे अब। आप एक्सपायर्ड गुड समय रिटर्न कर रहे हो, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या
बड़ा ही अजीबो गरीब सा प्रोविजन है, लेकिन बड़े दुखदायी प्रोविजन है सर। कौन सा? एक्सपायर्ड गुड्स रिटर्न। बहुत दुख होने वाला आपको सर, दुख तो लास्ट दो घंटे से ऐसे भी हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा दुख होने वाला है। वैसे तो मैं बताऊँ, हम लोग लास्ट दो घंटे से ज़्यादा से पढ़ रहे हैं सर, तीन घंटे से पढ़ रहे, मालूम नहीं पड़ा कब टाइम बीत गई। बस एक वो पीछे वाली को एसी चला दे मेरे लिए तो मेरे को और आराम हो जाए यार, और तो कोई दुख नहीं है मुझे। हाँ हाँ, फैन नहीं यार, एसी, फैन से आवाज़ चलता है। एक अच्छा बोल दिया तो सबको गर्मी लग रही है। अब ये है मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिंस, मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिंस। इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेज दिया। राधे बच्चे बोल रहे एक ग्लास चाय, एक कप चाय पी लीजिए आप, ये लोग बोल रहे चाय। उसने इसी के लिए बुलाया था बाद में। क्या क्या मेडिसिंस ऑफ मैन्युफैक्चरर है। अरे ऐसे घंटी बजाते कोई काम नहीं हो रहा, बुला लेंगे ना तो फिर आएंगे नहीं अगली बार, इसलिए हम लोग फिर कुछ ना कुछ काम बोल देते। मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिंस, हम लोग बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। मेडिसिंस की एक एक्सपायरी लाइफ होती है, कोई भी दो साल कभी तीन साल। तो हमारी मेडिसिंस की एक्सपायरी डेट है सपोज दो साल, और दो साल के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ मेडिसिंस बिकी नहीं, और जो मेडिसिंस बिकी नहीं वो उसने वापस लौटा दिया। क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है कि ये जो मेडिसिन से लौटा रहा है इस पर जीएसटी लगेगी क्या? अरे आना तुझ तो बोलो, शांति से कैसे बैठ जाए। ये डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे मेडिसिन लौटा रहा है, क्या ये जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, एक्सपायर्ड है, इस पर जीएसटी लगेगी क्या? तो अपना मन क्या बोल रहा है, इस पर जीएसटी किस बात की लगनी है? और लगनी भी है तो इसकी मार्केट वैल्यू तो जीरो है, तो लोग के भाव बेचेंगे तब भी नहीं बिकेगी, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। लेकिन लॉ ने क्या बोला कि जब आप ये मेडिसिन दिए थे उस समय क्या दाम लिए थे? भैया सपोज 100 रुपया पत्ते का दाम था, तो अभी भी 100 रुपया पत्ते का दाम लगा के जीएसटी दे दो। ये तो अन्याय है, जुल्म है, वो है वो है। तो सुन सुन, बकवास मत कर, पहले बात सुन। तुम 10 पत्ता लिया था सपोज, सिंप्लिसिटी की, हाँ। 1000 का माल खरीदा था, हाँ। 1000 पे ITC लिया था, हाँ। बेचा कितना? 8। तो GST हमें कितने पे दिया? 8 पे। तो 2 पे तो फोकर का ITC लेगा? नहीं सर। हाँ तो फिर 2 का तेरा ITC रिवर्ट करना चाहिए? हाँ सर। तो फिर 2 का तेरा ITC रिवर्सल जो है ना, वही हम लोग इस फॉर्मेट में ले रहे। लॉजिक क्लियर? तो कोई अन्याय नहीं है, इसी कोई मार्केट वैल्यू जीरो से कोई मतलब नहीं है। आप 10 पे ITC लेते बैठे हो, इसलिए आपको पूरे 2 पे GST देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये तो GST का बिल बना के इसको देगा। अब ये उछलने लग गया, बोला मैं इसका ITC ले लूं, मेरे पास तो इन्वॉइस आ गया, GST वाला इन्वॉइस आया है, तो क्या मैं इसका ITC ले सकता हूँ? न बोलता हाँ बिंदास, आप गुड्स रिसीव किए हो, आपके पास इन्वॉइस है, आप इसका ITC ले लीजिए। हाँ तो सर मैं ITC ले लेता हूँ। लेकिन अब आप बताइए, आप इस एक्सपायर्ड मेडिसिन का करेंगे क्या? फेंकेंगे और क्या करेंगे? तो जब आप इसे डिस्पोज ऑफ करेंगे तभी आपका ITC रिवर्ट हो जाएगा। नट सेल में बहुत सिंपल वे में काम चल रहा है कि आप यहाँ पे जो फॉल्स ITC लेके बैठे हो उस पर आपका ITC रिवर्ट हो जाएगा, और इनको ITC लेना है ले लो, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसे डिस्पोज करेंगे आपका ITC रिवर्ट हो जाएगा, डिस्पोज करेंगे। ओके, इसका कंक्लूजन ये है, मेडिकल इंडस्ट्री इसे किस नज़रिए से देख रहा है? आप तो देखो स्टूडेंट्स हो,
हाँ ठीक ही हो रहा है ना, मतलब ठीक ही है, हाँ हाँ आप तो स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री बोल रहा है सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने 10 यूनिट इसको बेचा था, 2 का माल मेरा रिटर्न आ गया, लेकिन फिर भी मेरे को 10 पे ही GST देना पड़ा। मैंने 10 यूनिट इसको बेचा था, 10 यूनिट का पैसा मैंने ले लिया, जब ये मेरे को 2 यूनिट रिटर्न कर दिया तब तो ये मेरे को 2 यूनिट का पैसा भी मेरे से वापस ले लिया, खत्म परचेज रिटर्न, लेकिन मेरा GST तो 10 का 10 पे लग गया, क्योंकि जो मैंने 10 पे GST दिया था उस समय वो तो मेरा कभी रिफंड ही नहीं हुआ, और फाइनली यहाँ पे 10 पे GST लग गया। दैट्स अ वेरी पेनिक वन कि जो मेडिकल इंडस्ट्री ऐसा है कि उसमें तो एक्सपायर्ड गुड्स आएगा ही आएगा, और माल तो एक बार भेजना ही पड़ेगा, काउंटर पे तो दवाइयाँ रहनी चाहिए, बिके ना बिके तो डॉक्टर लोग की दया है, तो अल्टीमेटली यहाँ से माल बिका नहीं, फिर भी यहाँ पे GST लग गया। अल्टीमेटली कुछ लूपहोल है, गवर्नमेंट सुधार ले तो अच्छी बात है, नहीं तो 19 आ रहा है, हम सब चौकीदार है, व्योला चौकन्ने, आप अकेले चौकन्ने नहीं है मोदी जी, हम लोग भी चौकन्ने हैं, ध्यान रखिएगा, हम सब चौकीदार है, ये सब गड़बड़ हो रहा है मोदी जी, ध्यान दे लो आप, क्लियर। सॉरी ये लफड़ाई क्यों आया सर, क्रेडिट नोट वाला कॉन्सेप्ट भी तो था ना सर, जब माल लौटाते तब तो क्रेडिट नोट होता ही है, तो आप इतना क्यों ड्रामा किए सर, ये पहले माल भिजवाते समय बिल देगा फलाना देगा, तो आंसर चॉइस है तुम्हारा ये और ये, तो सर क्रेडिट नोट में चले जाएंगे, क्रेडिट नोट में भी तो ये होता है कि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं तो जितना हमारा यहाँ पे ITC मिला था वो ITC रिवर्ट हो जाता है ना, तो क्रेडिट नोट में प्रॉब्लम क्या है कि क्रेडिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट है 1 साल, वही 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकते, तो यदि आप क्रेडिट नोट इश्यू करो तो आप बहुत सारी फॉर्मेलिटी से बच जा रहे हो, आपको फायदा है, लेकिन यदि आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पा रहे हो, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, तो फिर आपके पास ये सेकेंड चॉइस है, आपके पास ये सेकेंड चॉइस है कि आप इस पर बिल बना के GST लगा दीजिए, और आप GST दे दीजिए, और ये इसका ITC लेंगे, और जब ये ITC जब उस गुड्स को डिस्पोज करेंगे ITC रिवर्ट करेंगे। मैं इसको कोशिश करता हूँ आप थोड़े से ईज वे में लिखा दूँ, रिटर्निंग ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स, हाँ सर थैंक यू सर, तुम ही लो रोज वो बता दो, नई बैचेस तो खाली चाय पे नजर लाती और कुछ नहीं करती। रिटर्निंग ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स, ऑप्शन 1, रिटर्न थ्रू क्रेडिट नोट, रिटर्न थ्रू क्रेडिट नोट, ITC रिवर्ट हो जाती सर, ये जस्ट आपके नॉलेज ले दे दिया मैंने। ऑप्शन 2, फर्स्ट जो रिटर्निंग अथॉरिटी है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, या क्या बोलेंगे उसको, परचेजर बोलूं यहां पे, वर्ड रिटर्न कौन करेगा, परचेजर, परचेजर शैल इश्यू इनवॉइस ऑन द सप्लायर, फॉर रिटर्निंग गुड्स एट ओरिजिनल प्राइस या एट ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल जो प्राइस था वही प्राइस लेते हैं, ये इनवॉइस बनाएगा, और GST देगा,
और जीएसटी देगा. सेकेंड स्टेप पे जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, है ना. सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी. ऑफ सच टैक्स, जो उसने जीएसटी दिया उसका सप्लायर आईटीसी ले लेगा. एंड थर्ड स्टेप, व्हेन सप्लायर डिस्पोज ऑफ सच मेडिसिंस, सच मेडिसिंस बताओ तब क्या होगा. देन आईटीसी टेकन इन स्टेप टू शैल बी रिवर्टेड. यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपने लीगल अपडेट्स में बहुत खींच के दिया था, तो हमने भी बड़े प्यार से आपको बता दिया. सर अब और पढ़ने का हिम्मत नहीं हो रहा सर. कोई बात नहीं, थोड़ा देर और पढ़ेंगे बस. पॉइंट नंबर 45. लॉटरी की वैल्यूएशन कैसे करें. क्यों सर ये इश्यू क्यों आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब जाते हैं दुकान में बोलते भैया एक लॉटरी का टिकट देना, तो बोलता है 100 रुपया वाला कि 50 रुपया वाला. हमने बोला 100 रुपया वाला दे दो, तो उसने 100 रुपये वाला टिकट दे दिया. हमने टिकट दिया उसको पहले हवा 100 रुपया, हमने बोला सही है, हम लोग उसको 100 रुपया दे दिए. यानी फेस वैल्यू ऑफ द टिकट इज 100 रुपया, हमने उसको 100 रुपया दिया. फिर हमने उससे पूछा कि भाई इस पर जीएसटी नहीं लगता, तुम 100 का टिकट में तो 100 में ही दे रहे. बोला इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, सब मिला के 100 रुपया. ठीक, तो क्वेश्चन आ रहा है फिर उसकी वैल्यू क्या हुई. तो ऑब्वियसली इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 100/100+R. तो इसमें ये सिंपल सी बात समझने की है कि यदि वो स्टेट लॉटरी है तब तो रेट ऑफ जीएसटी है 12%, और यदि वो स्टेट को छोड़ के और किसी की लॉटरी है तो रेट ऑफ जीएसटी 28%. तो इस केस में असेसेबल वैल्यू शैल बी फेस वैल्यू इंटू 100/112, और इस केस में असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू 100/128. ओ इतनी सी बात है, लेकिन यदि आप विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के लिए बेटिंग करते हो तो टू बी नोटेड वो लॉटरी नहीं है, वो लॉटरी जैसा है. उस केस में आपने जो बेट किया, आपने जो प्राइस पुट ऑन किया, वो सब प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं माना जाएगा. उसमें आप जितने भी बेट करते हो उसके ऊपर प्लस 28% जीएसटी. अमाउंट ऑफ बेटिंग shall be excluding GST, क्योंकि वो कोई फेस वैल्यू नहीं है, एंड रेट ऑफ GST विल बी 28%. हाँ सर क्लियर हो गया सर. हाँ बोलो क्लियर हो गया सर. बस आगे बढ़ जाए. अरे क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते, और क्या है. नेक्स्ट ऑलमोस्ट लास्ट. देखो ये ऑलमोस्ट लास्ट मतलब समझ रहे हो ना, क्या ये बात बात ये सारा तराया हुआ है,
आप उस मैट से अमेंडमेंट 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 दे दे के पढ़ लेना, या डेट दे दे के पढ़ लेना, या मूव कलर दे दे के पढ़ लेना। ये एक्स्ट्रा वाले हमने और आपको बता दिए, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको और बता दिया। सप्लाई, ये इकलौता वो CGST अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आपके सिलेबस में है। इसको छोड़ के CGST अमेंडमेंट एक्ट कुछ भी नज़र आए तो छोड़ दो। हाँ सर, ये अच्छा दिया आपने, यानी ये देख लिया, हाँ अब CGST अमेंडमेंट एक्ट छोड़ देना। ओके, ज़्यादातर अमेंडमेंट आपको नज़र आएंगे जेम्सन्स टॉपिक में, भर भर के नज़र आएंगे। अमेंडमेंट जेम्सन का तो ये हाल है कि लास्ट क्लास वो 3 या 4 क्लास में हुआ था, इस बार वो 5 क्लास में हुआ, पूरी पूरी एक क्लास ही बढ़ गई, इतना इतना अमेंडमेंट आ गया, पूरे 2.5-3 घंटे लग गए। ओके, सप्लाई में क्या था, Schedule 3 दिया हुआ है, और Schedule 3 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर नॉट सप्लाई। फॉलोइंग आर नॉट सप्लाई बोलने पे क्या हुआ, हमने आपको एक कोड दे दिया ABCDEF, अब हमने उसके आगे 1, 2, 3 और लगाना पड़ा क्योंकि 3 अमेंडमेंट आ गए। बी से क्या था, MP MLA की सर्विस, किसी को मत बताना बी फॉर बदमाश, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस, डी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डील जिसमें सारा का सारा पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया जाता हो, एम्प्लॉय की सर्विस, फ्यूनरल या डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट सर्विस, डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्रेमेटोरियम भी इसी में आता है भाई, बोलने की बात ही नहीं है। ए से कोई भी एक्सनेबल क्लेम के ट्रांजेक्शन्स एक्सक्लूडिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, एक्सक्लूडिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, तो यदि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यदि आप सप्लाई करते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर एक्सनेबल क्लेम। क्लियर, अभी 1, 2, 3 क्या आया उस पर अपने बात करते हैं। 1, ये एग्जाम में पूछने की चांस है, 2, 3 तो ठीक ठाक है। 1, यदि इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर में गुड्स सेल हो जाए, सप्लाई हो जाए, इंडिया में गुड्स आया ही नहीं, तो फिर ऐसे में इंडिया में GST नहीं लगेगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यह है इंडिया का एक ट्रेडर, ये अपना छोटा सा एक बार इंडिया बना लेता है ना, फटाफट बनाओ भाई। ओके, हमने छोटा सा इंडिया पटाख से बना लिया। ये इंडिया के एक वेंडर है ए, उसने इंडिया के बाहर यानी जापान से गुड्स लिया और ऑस्ट्रेलिया में गुड्स बेच दिया, और जापान की पार्टी को बोला कि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में ही डिलीवरी कर दो। किसने परचेज किया, परचेजर इज ए, वेंडर इज बी, वेंडर इज ए, परचेज भी ए किया है इस एग्रीमेंट में, सेल भी ए किया इस, तो दो एग्रीमेंट हो गए, जैसे दो ट्रांजेक्शन हो गए ए के, ए तो परचेज फ्रॉम जापान, दूसरा सेल टू ऑस्ट्रेलिया, परंतु फिर भी इन दोनों ही ट्रांजेक्शन पे GST नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया में गुड्स आया ही नहीं। इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर में गुड्स सेल या सप्लाई हो जाए और इंडिया में गुड्स आए ही ना तो इंडिया में GST नहीं लगेगा। टू बी नोटेड, ट्रांजेक्शन इंडिया वाले ने किया है फिर भी GST नहीं लगा। बात क्लियर था, अरे हाँ बोल दो ठीक। ये था 1। दूसरा था हाई सी ट्रांजेक्शन पे GST नहीं लगेगा। सर ये हाई सी सेल क्या होता है, सर ये कस्टम का एक पॉइंट है जिसमें सपोज ए ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, अभी ए का कंसाइनमेंट आ रहा है, जब ए का कंसाइनमेंट आ रहा है उस समय ए ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गुड्स बी को भेज दिए, तो ए ने जो बी को गुड्स भेजा या बेचा इस सप्लाई पे GST नहीं लगेगा, बिकॉज दिस विल बी ट्रीटेड एज हाई सी सेल,
जब सामान आ रहा हो उस समय यदि आप किसी और को माल भेज दो तो इस पे जीएसटी नहीं लगता। हाँ, अरे हाँ, पॉइंट नंबर थ्री, एक दो तीन, कस्टम वेयर हाउस में जो सेल हो जाए उस पे जीएसटी नहीं लगती। एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट या नॉट ए सप्लाई। सर क्या है नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खास करके उन लोगों के लिए जिनके लिए कस्टम सिलेबस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात प्यार से समझ लो, आपने गुड्स इंपोर्ट किया, आपका नाम है ए, आपने गुड्स इंपोर्ट करने के बाद येलो बिल ऑफ एंट्री भर दी और गुड्स को आपने वेयरहाउस में भेज दिया। अभी गुड्स कहाँ है? कस्टम वेयरहाउस में। किसका गुड्स? आपका गुड्स। ठीक है, कितने में इंपोर्ट किया था? सर 10 लाख में इंपोर्ट किया था। अभी गुड्स कहाँ है? कस्टम वेयरहाउस में। अभी क्या हुआ, ए ने ये गुड्स बी को भेज दिया। कहाँ पे गुड्स? कस्टम में है, कस्टम वेयरहाउस में। तब आपने ए ने बी को भेज दिया। लॉ बोल रहा है ये जो सेल हो रहा है जब गुड्स कस्टम वेयर हाउस में है, दिस सप्लाई इज नॉट लायबल टू जीएसटी। आप बोलेंगे इसमें खासियत क्या है? खासियत बताता हूँ, रुक जाओ। सपोज ए ने बी को 15 लाख में बेच दिया, अब कस्टम से माल कौन छुड़वाएगा? सर बी छुड़वाएगा। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री कौन भरेगा? सर बी भरेगा। तो अब बी जब कस्टम ड्यूटी देगा तो असेसिबल वैल्यू लेंगे, असेसिबल वैल्यू ऑफ कस्टम लॉ विल बी 10 लाख। जब ओरिजिनली गुड्स भरते हैं उसी समय की वैल्यू ली जाती है। सपोज ये फ्रेट इंश्योरेंस लेते हैं, सपोज हाँ, अब इसमें बीसीडी लगेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी सपोज 10%, 1 लाख। इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा सपोज 10%, 10,000। इस तरीके से 11 लाख 10,000 हो गया। अब इस पे लगेगा क्या? आईजीएसटी। सर आईजीएसटी क्यों लगेगा? सर ये तो एग्जेम्प्टेड है। अरे भाई सुनना, ये इंपोर्ट पे तो आईजीएसटी लगेगा ना, इस पे आईजीएसटी नहीं लग रहा है। ये वाली सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, कहाँ जी मेरी वो सप्लाई, ये वाली सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इंपोर्ट पे तो आईजीएसटी लगता ही है। तो सीवीडी 3-5 लगेगा। तो जब ये सीवीडी 3-5 लगेगा, 3-7 जब ये सीवीडी 3-7 लगेगा तो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? नॉर्मली लगता है 11 लाख 10 हज़ार पे। हाँ बोलो, नॉर्मली लगता है 11 लाख 10 हज़ार पे, परंतु अब लगेगा ऑन 15 लाख। सपोज 18% ऑन 15 लाख। लॉ बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू मतलब 11 लाख 10 हज़ार और 15 लाख, विच एवर इज हायर। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सर जिसको एग्जाम्पल कॉपी करना है कर लो, जिनके सिलेबस में कस्टम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर खुश हो जाओ सर, 46 अमेंडमेंट्स इन 3 आवर्स। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों बताओ? रीकैप। सर रीकैप करना पड़ेगा? यस सर, थक गए, कोई बात नहीं, कर लेते, 5 मिनट लेगा। हाँ मैडम ला रहा हूँ, मुझे लगा आप लोग ऊपर का तो भी कॉपी मार रहे हो। अब हम लोग अच्छा क्या करेंगे मालूम? हम लोग ये जो अमेंडमेंट है ना, जो अभी आपके सर पे चढ़ा हुआ है कि यार बड़ा टेंशन है, उसकी मैं आपको एक ऑडियो करा देता हूँ। वो ऑडियो हम लोग 10 मिनट में बना लेंगे, हम लोग तो चैंपियन है ऑडियो बनाने में, सुनने में चैंपियन नहीं है। तो 10 मिनट का वो ऑडियो बन जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीपल टाइम सुन लेंगे और हमारा अमेंडमेंट का काम खत्म। लेकिन फिर भी हमारे मैट में जो मोव कलर के फॉन्ट है उसके ऊपर आप जरूर ध्यान देते रहिएगा। MOVE मोव मतलब पास, मूव आउट, चलो निकल गया, पास हो गया। ठीक,
आजो बच्चों फटाफट, राधे 10 मिनट में इनको सीट चाहिए।